अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला नींबू का खट्टा मीठा और थोड़ा सा तीखा अचार, बगैर ऑयल के, बगैर चीनी के, फुल हेल्दी है। आप इसको बना के महीनों महीनों स्टोर कर सकते हैं और जब भी खाना हो निकालें और इसका इस्तेमाल करें। बहुत झटपट वाली रेसिपी है, तो कैसे बनेगा ये मज़ेदार चटपटा खट्टा मीठा अचार, रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आधा किलो नींबू का अचार बना रही हूँ, तो मैंने नींबू लिए हैं छोटे वाले जो बेर की साइज़ के होते हैं, आधा किलो, क्योंकि ये नींबू रसीले भी होते हैं और इसकी जो स्किन होती है ये नरम होती है, सख्त नहीं होती है, तो हमें छोटे वाले नींबू चाहिए होंगे। और नींबू को मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया, ड्राई कर लिया, और उसके बाद हमने इसको काट लेना है चार हिस्सों में। ठीक है, आप चाहें तो दो हिस्सों में भी रख सकते हैं। और इसके बाद आपने इनके बीज निकाल लेने हैं, क्योंकि ये जो बीज हैं इससे हमारी अचार में कड़वाहट आएगी, तो बीज आपने रिमूव कर लेने हैं। और इसके बाद ये देखें, इस तरीके से सारे नींबू मैंने पहले से काट के रखे हुए हैं, इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने काटा है ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा आपने एक और काम करना है जो मैंने पहले से करके रखा है, 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है नमक। इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा नमक जो है वो अच्छा सा नींबू पे लग जाए। ठीक है, और फिर हमने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि जितना भी नमक है ये नींबू के अंदर तक चला जाए और ये नमक अच्छा सा जज्ब कर ले, तभी हमारा मज़ेदार सा अचार तैयार होगा। तो ये काम मैंने पहले से करके रखा हुआ है, नमक लगा के 2 घंटे पहले मैंने इनको रख दिया था। इसके बाद अब हम इसका अचार बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऑयल की जगह मैं डालूँगी पानी तकरीबन 1 कप। अब देखें, ये खट्टा मीठा और स्पाइसी अचार है, तो इसके लिए मैंने लिया है गुड़, क्योंकि मैं इसको बनाने वाली हूँ हेल्दी अचार। ठीक है, आप चाहें तो पिसा हुआ गुड़ भी ले सकते हैं और चीनी भी ले सकते हैं, 1.5 कप, लेकिन आपने लेना है आधा किलो नींबू के अचार के लिए। चाहें तो आपके पास अगर ऐसे मेजरिंग कप हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके पास चाय वाला कप है इसकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसमें मिक्स भी डाल सकते हैं, जैसे 1 कप चीनी हो गया और आधा कप गुड़ हो गया, आप इस तरीके से भी डाल सकते ठीक है, हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखिए, ये मेरे पास साबित जो है वो गुड़ है, मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, कि ये गुड़ अच्छा सा घुल जाए। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे, हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए रख दिया था और गुड़ बहुत अच्छा सा इसमें घुल चुका है। अगर आपका पाउडर फॉर्म में गुड़ है तो आपने सिर्फ 2 मिनट पानी के साथ मिक्स करना है, उबाल आने देना है, और इसके बाद आपने ये जो नींबू कटे हुए हैं ये आपने इसमें डाल देने हैं। ठीक है, मेरे पास साबित था तभी मैंने इसको कवर करके पकाया। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ डालूंगी सौंफ, इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी साबित कलौंजी, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ जीरा या फिर कुटा हुआ जीरा आप डाल सकते हैं, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी काला नमक, इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून राई दाना, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, आप कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे थोड़ा सा इसका कलर अच्छा हो जाएगा, है तो डालें, नहीं है तो बेशक आप ना डालें। इसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन, अजवाइन जो है वो हाजमे के लिए बड़ी बेहतरीन है, तो ये अचार के लिए बड़ी अच्छी रहती है। अब यहाँ पे मीडियम आंच पे हम तकरीबन 2 मिनट इसको पकाएंगे, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, नहीं तो क्या होगा कि नींबू ज़्यादा पके इसमें कड़वाहट आ जाएगी। 2 मिनट पकाएंगे, हल्का सा जब इस तरीके से गाढ़ापन आ जाएगा तो हमने चूल्हा बंद कर देना है। और ये जी मज़ेदार हमारा नींबू का खट्टा मीठा थोड़ा सा स्पाइसी जो है वो अचार तैयार हो गया है। आखिर में हम 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे सिरका, ताकि जब हम इसको 2 से 3 या 4 महीने के लिए रखें, स्टोर करें, तो ये ख़राब ना हो। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छा ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद आपने किसी भी बॉटल में, एयर टाइट बॉक्स में, जो भी आपके पास चीज़ हो उसमें आप डाल सकते हैं। और इसका आप ये कलर देख रहे हैं, ये कलर इसका गुड़ की वजह से आया है। अगर आप चीनी में बनाएंगे तो ये थोड़ा सा वाइट वाइट बनेगा, ये वाला कलर नहीं आएगा। अगर ये कलर चाहिए तो ये कलर गुड़ में ही आपको मिलेगा। ये बहुत मज़ेदार अचार बनता है, जितना ज़्यादा
ज़्यादा पुराना होगा उतना अच्छा इसमें टेस्ट आता है, तो आप इसको महीनों आराम से चला सकती हैं। सुबह नाश्ते में खाएं पराठे के साथ, ये बहुत मज़ेदार लगता है। इसको किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालें, बस इसमें पानी ना जाए, गंदा चम्मच ना आप इसमें इस्तेमाल करें, और इसको आप आराम से महीने, 2 महीने, बल्कि 3 महीने आप आराम से इसको यूज़ कर सकती हैं। तो बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कैसा।